श्रीकाल आदाब नमस्कार खैर मकदम ते इस्तकबाल मैं हां प्रीतो साहनी ससिका जी ते मैं अरगवीर बोली ते ए है क्लोज अप लाफ टू द मास्टर सीजन 2 को प्रेजेंटेड बाय जीवन जोड़ नया युग नया जोड़ पावर्ड बाय जीवो कैनोला ऑयल एसोसिएट स्पोंसर्स एक्सप्रेस स्टूडेंट सर्विस पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ते प्रिया गोल्ड स्नैकर्स सो दोस्तों मेरा प्रीतो दे बिना देर नहीं लगया ते मैं भी आ गया दे पीछे पीछे ते अज सेमीफाइनल दे दौर शुरू होने जा रहे हैं ते अज है सेमीफाइनल दा फेस वन ते साडे अज दे एपिसोड विच करनगे चार कंटेस्टेंट परफॉर्म एक ओपन राउंड ते एक थीम राउंड ते देखदे हां जी किदां दा तमाल लेके आ रहे ने ते देखण लई इना कंटेस्टेंट्स दी तमाल स्वागत करदे हां जोरदार तालियां दे नाल आओ हुण मिलके स्वागत करदे हां साडे लाफ्टर बैंड दा स्वागत करते हैं जी सारे कूल कूल एंड डैशिंग जजेस दा ते दोस्तों हुन मैं बुलान जा रही हूं सारे सेलिब्रिटी गेस्ट नु जो की बना देंगे इस माहौल नु मस्त मस्त जोरदार तालियां दे नाल अशोक मस्ती ओ डीजे उच्ची करके ला दे चकमा जा कोई गीत बजा दे वेखांगे अज जेड़ा खंगू केड़ा मौत अपनी मंगू ओ तीन पांच करू जेड़ा सूत देहांगे अग लाके फूक देहांगे अग लाके फूक देहांगे जोरदार तालियां अशोक मस्ती जी दे लई अशोक मस्ती जी वेलकम टू आवर शो बहुत बहुत शुक्रिया जी वो तो ठीक है पर तुसे मैंने पूछे नहीं कि मैं गाना क्यों गाया आप हुन पूछ लेंदे जी क्यों गाया क्योंकि एक तो पूरी अग लगी भी है पूरे इत्थे कॉमेडी दी जड़ी है दूसरा एक कारण है कि ये साडा नवा वीडियो जिहड़ा तुसी देखने वाले हो एक दो दिनों दे विच ही ये मेरे आने वाले वीडियो का गाना सी इस करके मैं अज सारे दे सामने इत्थे गाया वाह जी वाह क्या बात है एक बार फिर तो जोरदार तालियां दोस्तों हुन साडे ओपन राउंड नु ओपन करन दे लई मैं बुलान जा रही हां साडे उस कंटेस्टेंट नु जिन्होंने अपनी बुलंद आवाज और धमाकेदार कॉमेडी दे नाल सारेयां दे दिल विच बना लीती एक खास जगह थां थां ते इन्हां ने लगाए ने कॉमेडी दे बूटे क्वार्टर फाइनल्स दे विच इन्हां ने शक्तिमान बन के दिखाई सी अपनी शक्ति लेकिन हुन वेखना ए है कि सेमीफाइनल्स दे विच ए दिखा पांदे ने अपनी शक्ति या फिर नहीं जी हां इधर उधर दीयां गल्लां लेके आ रहे ने बूटा सिंह जी प्लीज जोरदार तालियां बूटा सिंह लई ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਅ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੇਜਦੀ ਆ ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤਪਲੇ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਆਇਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੱਖ ਸਾਥੋਂ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ ਵੱਖ ਸਾਥੋਂ ਹੋ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਟੌਰ ਦਾ ਕਰੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਲਾਹੌਰ ਹਾਂ ਗਿੱਲ ਇਹ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਆ ਪ੍ਰੀਤੋ ਇਹ ਤੇਰਾ ਦਿਓਰ ਆ ਗੁੱਡ ਵਨ ਗੁੱਡ ਵਨ ਹੁਣ ਭਾਅ ਜੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਭਾਅ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਅ ਜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਿਆ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਜਾਈ ਆ ਕੇ ਫਾਟਕ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਫਸੀ ਹੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੜਫੀ ਜਾਵੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਫਾਟਕ ਖੁੱਲੂਗਾ ਕਦੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਿਕਲੂਗੀ ਹੁਣ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹ ਤੜਫਣ ਦਿਆ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਚਾਰਜ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹਨੇ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਚੱਕੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਓ ਮੈਂ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖੜਦਾ ਹੁਣ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਿਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਗਿਆ ਬਰਾਤ ਗਈ ਹੁਣ ਡੈਡੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਦੀ ਬਰਾਤ ਲਗਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਭਾਅ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਰਾਤ ਗਈ ਡੈਡੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਪ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਾ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਦੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਹੁਣ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਕਰੈਕਟਰ ਆ
चाचा साडा एक दिन पिंड दे विच ना साडे टैंकी बणी है वाटर वर्क्स वाली ओहदे उत्ते चढ़ गया उत्ते चढ़ के मैं वेखण दिया पिंड वाले सोचण वी नहीं होया कि आओ वाजा मारी जाण भाजी थले आ जाओ थले हाँ तो गल कोई नहीं होएगी मैनू शक आ भी पिंड च किसे दे घरे न्याणा होया आंदे न्याणा आ ते जाके वधाईआं दे आंदा साले मैं उही ते वेखण दिया होया कि दे घरे आ चाचे ने कोठी पा ली कोठी ते तां चढ़ गए उत्ते जाके कहण दे कहिंदा मैनू शराब की बोतल लिया के दो नहीं तो मैं छाल मार देनी हाँ थल्यो मुंडा बोलिया ना मार दो छाल मार दो सानू तो खुशी होगी तुम मरोंगे तो हूँ नाल का गवांढी आ गया वह भी कहना मारो मारो छाल तुम बड़ा महल्ले गंद पाया सानू बड़ी खुशी होगी हूँ चाचा बोलिया कहता हूँ तानू मेरे मरन की खुशी होगी कहते हाँ तो जाओ फिर नहीं मारदा छाल जे तानू मेरी खुशी का ख्याल नहीं मैं फिर ताकि खुशी की करा भाजी अजीब अजीब जब पाँगा जाके एक दिन डॉक्टर ना लड़ पिया डॉक्टर ने भी लड़ पिया खाम खाई कहता मैं तो रोज दवाई लेना सौ दी रोज दवाई लेना सौ दी फायदा तो हमदा नहीं गा डॉक्टर भी अगों बड़ा अड़पसी कहता इदा करो अज तुम नब्बे की दवाई लो तुम दसा का फायदा होना जो मैं आपके खानदान का एक नंबर शरीफ बंदा जी अज तक मैं किसी माड़ा नहीं वेख्या ना किसी ने माड़ा बोलिया इतने भी भाजी मैं सारे भी एक अख नाल वेहना हूँ तुम पुछोगे भी एक अख ना वेहना दूजी अख कि दूजी अख भाजी मैं प्रीतो तो रखी हुई है ऐसी सुनावा भाजी तुम मैं गल आ जरा गिटार वाला इन मैं पूछा मैं तेन सैलरी कि मिलती है तू भी बजाऊ की कहता 15,000 रुपया मैं क्या 15,000 मिलता है 10 रुपया ला के वाल नहीं कटा सकता भाजी इतने हर बंदा अपना टैलेंट विखाउन आया भाजी पिछे जो एक शो शुरू होया ही इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा भाजी वो ड्रम सैट वाला बंदा भी गया है उत्थे जदों जजेस ने पूछा आंदे हाँ भी तू की करेंगा आंदा पी के उल्टी करूँगा थैंक यू भाजी थैंक यू जजेस बूटा सिंह की इस कॉमेडी दे विच किन्नी हरियाली सी बिंदु जी बूटा सिंह का स्टाइल अलग ही है वखरा स्टाइल है ताई इत्थे तक पहुँच गया लेकिन हरियाली हुण बहुत चाहिए है क्योंकि बड़े तगड़े 12 बंदे है इत्थे याद रखियो कुड़ियाँ भी हैगियां 3-9 बंदे बहुत सॉलिड ने बूटे ने बहुत वधिया कीता लास्ट 5 बड़ा तगड़ा मार के गया भाई उपासना जी बूटा तुहाडे च बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है अज मैनू ओह गल नहीं लगी जो हमेशा तुहाडी परफॉर्मेंस च हुंदी है मतलब जोक्स भी पुराने सीगे और जो तुसी स्टार्ट किया वह अच्छा सी और विच क्लैरिटी की कमी हो गई मतलब सानू तुहाडे जिहड़े जोक्स है वह कई समझ ही नहीं आ रहे सी तुसी उन्हों एकदम क्लीयरली नहीं बोल रहे सी सो ये छोटिया छोटिया चीज़ों का ख्याल रखो क्योंकि तुहाडे नाल जिहड़े तुहाडे दोस्त हैगे तुहाडे पार्टिसिपेंट्स नाल हैगे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और तुसी खुद इन्ने अच्छे परफॉर्मर हो तो ये छोटिया छोटिया चीज़ों का जो तुम ख्याल रखोगे तो अगली बार तुम इस कितने अच्छा परफॉर्म करोगे थैंक यू उपासना जी अशोक जी डिड यू एंजॉय द परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मैं प्लांट सिंह बहुत इंजॉय कर रहा सी प्लांट सिंह गुड वेरी गुड तुहाडे वाक्य जिदा उपासना जी ने कहा विदू जी ने कहा कि पोटेंशियल बहुत है तुहाडे च बिकॉज ये कॉमेडी एक्टिंग बहुत ज़्यादा नेड़े जानते हैं मैं बीइंग ए सिंगर मैं बहुत इंजॉय कर रहा क्योंकि मैं उन्नी ज़्यादा बरीकियां का नहीं पता कॉमेडी के बारे लेकिन मैं खूब इंजॉय किया और तुहाडी बॉडी लैंग्वेज जिहड़ा नाल साथ दिंदी है तुहाडी कॉमेडी दे वो तुहाडी एक बहुत बैकबोन है तुहाडी कॉमेडी दे हां जी भाजी इदां रखना मोटे मोटे ना होना वधिया लगदे हो हिलदे उलदे ठीक है भाजी थैंक यू सो मच बूटा सिंह जी एक बार जोरदार तालियां प्रीतो बोली फिर आ गया मैं तो तेनों एक गल कहने वास्ते आया सी प्रीतो मेरी गल सुन ए एंकरिंग करना तेरे बस दी गल नहीं है ते ही कहने वास्ते तो मैं आया नाले वैसे भी मेरे तो तेरे वांगू लत्तां ही दिखाई ने मम्मी गाला कटनगे मेरी गल सुन तू हुण मेरे कोलों कुट ना खा ली और इत्थों चला जा प्लीज चला तो जाना पर मैं तेरा पीछा नहीं छड़ना आके भी जदी तंग करूंगा ठीक है कोई गल नहीं फिर मिलदे हैं मिलदे हां चंगा भी मिस यू
दोस्तों बोली तो सानू जरूर आके मिलेगा, लेकिन फिलहाल सारे कंटेस्टेंट्स नो मिल रही है एक खुशखबरी कि इना कंटेस्टेंट्स विचों जो भी विन करेगा क्लोज अप लाफ्टर द मास्टर सीजन 2 उसनो मिलेगी प्रिया गोल स्नैकर्स से बने एक चमचमाती हुई गड्डी। ते नाल ही फिलहाल जी असी भी अपनी गड्डी ते थोड़ी जी ब्रेक लगा रहे हैं क्योंकि तुहानो मिलेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक ओनली इन क्लोज अप लाफ्टर द मास्टर सीजन 2। पेट्रोल पंप ते वेखी जा जे मुंडियां ने जे ते मान लो पेट्रोल थोड़ा पवाना होवे मुंह दे उत्ते रुमाल बन लैणगे 20 रुपए दा पाले 20 रुपए दा। क्लोज अप लाफ्टर द मास्टर।